दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को आज कहाँ लेके आ गई। एक्चुअली ये जगह मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है, ये मेरे बड़ी का घर है। मेरे बड़ी यहीं पे पले बड़े हैं, लगभग 10-12 साल हो गए। उन लोग अभी पोडलर में शिफ्ट हो गए, वहीं पर ही रहते हैं, कभी कभी यहाँ आते हैं घूमने के लिए। तो आज मैं मेरे बड़ी के घर में जैक फ्रूट यानी कटहल लेने आई हूँ। वैसे तो अंडमान में हर मौसम लगभग सबके घर में आपको कटहल के साथ साथ नारियल, आम, केला, अमरूद भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, लंबे लंबे आसमान को छूने वाले, ये पेड़ एक्चुअली सुपारी पेड़ है। हम सब अंडमान वासी आजकल ये सुपारी के ही खेती कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितने लंबे लंबे पेड़, खूबसूरत और हरे भरे। चलिए चलते हैं अब कटहल पेड़ की ओर। मेरे पापा पहले ही पहुंच गए पेड़ के नीचे और थोड़ा सर्चिंग चल रहा है कौन सा तोड़ा जाए, तो देख रहे थे। फिर मैं भी आ गई ब्लॉग बनाते बनाते, तो देखते हैं चलिए। और अब मेरे सुपरमैन पापा तैयारी में लगे हैं कैसे चढ़ा जाए पेड़ पे। और देखिए दोस्तों, अभी तारजन के जैसे चढ़ेंगे पेड़ पे। ये अंडमान के तारजन, देखिए इनको सब प्रैक्टिस है, पेड़ पे आराम से चढ़ जाते हैं। लेकिन अब हमारे जेनरेशन में जो है बिल्कुल नहीं चढ़ सकते हम लोग, क्योंकि आजकल हमें फ़ोन की इतनी आदत लग चुके हैं, हम लोग फ़ोन के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए हम लोग हमेशा घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते, कुछ काम करते ही नहीं। ना पहले जैसे खेल कूद, ना कोई भारी काम। दोस्तों, अब तक जो जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना। और जो फेसबुक पे देख रहे हो, प्लीज मुझे फॉलो कर दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? पप्पा जी पेड़ पे चढ़ गए और अब कटहल तोड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितना ऊपर चढ़ गए दोस्तों। और पप्पा ने अब कटहल तोड़ दिया और एक कटहल आ गया अब नीचे। अब हम सारा कटहल इकट्ठा कर लेंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। एक और एक कहाँ पे है, ए दो, और पहले गिरा था तीन। आज हमने तीन कटहल तोड़ाए। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। दोस्तों, आप लोगों में से किस किस को कटहल पसंद है प्लीज़ कमेंट पे बताना। मुझे तो कटहल की सब्जी और पक्का वाला कटहल दोनों पसंद है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।